Hey people, this is Pritima and you are watching PT Junior. तो आज इसमें मेरी शेवड़ी होने जा रही है, वो है बेसिकली MC Stan का न्यू ट्रैक आ चुका है, ब्रोक इज अ जोक. तो हाँ, क्या ब्रोक जोक होता है? नहीं. तो एक्चुअली लोग टूट जाते हैं तो बिखर जाते हैं, तो मतलब हम दूसरे जो उनको फील नहीं कर पाते, उनको लगता है क्या कि यार ये टूट गया है बंदा. तो टोटली ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स सेल्फ खुद को इतना हील कर पाना बहुत मुश्किल है, और इस बंदे ने MC Stan में वो चीज़ है. वो बंदा खुद को इतना हील कर पाया है, वो एक लेवल, एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का बंदा है. तो इनका जो टाइटल का ट्रैक है वो है ब्रोक इज अ जोक. तो आर्टिस्ट है MC Stan, प्रोडक्शन है MC Stan, और स्टे कनेक्टेड विद Stan. तो ब्रेड एम सिर्फ चलते हैं PT की दुनिया से MC Stan की दुनिया में. लेट्स गो. माई गॉड, MC Stan का न्यू लुक. मतलब देख रहे हो, पहले जो ब्रेड हेयर स्टाइल थी उनकी, वो रखते थे, मतलब उसमें भी लगते थे थोड़े से कूल, बट ये वाला लुक मतलब फ्लैट है. फ्लैट, सारी लड़कियां फ्लैट हो जाएगी, इंक्लूडिंग ऑल्सो मी. बहुत सही लग रहा है MC Stan. ब्रोक इज अ जोक. Yeah. Bro, tere liye rehna jo. Log mere liye rehna ro. Please mere liye mat ro. Mere ke love gaan bhar do. Bro, tere liye rehna jo. Pyar mere liye rehna ho. Saaf kara tere man ko. Shaant raho mere pang ko. Bro, dahi time pe lekin abhi mere paise ki bari. Free mein ye rap kar de kaise rahenge bali. Rapper ki izzat nahi India mein kya se. One of the izzat. Actually rappers ki koi respect nahi hai. Matlab जब हनी सिंह स्टार्ट किए थे उस समय ब्लूटूथ का टाइम चल रहा था, तभी से हम लोगों को पता चलता है कि रैपिंग क्या होती है. बट ये बंदा अलग ही एक नेक्स्ट लेवल है. रैपिंग का बाप है, और ये अपकमिंग फ्यूचर है रैपिंग का इंडिया के अंदर. मतलब जिस तरीके से मम्बलिंग करके करता है ना रैप, अलग ही लेवल है. इतनी कम एज में इतना कुछ करना, इतना कुछ सहना, नॉट पॉसिबल. गरीब का हल कर देगा. रुक तेरे लिए रहेगा जो प्यार मेरे लिए रहेगा हो सब करा तेरे मन को शांत रहो मेरे पंख को बोल करा हु वाना सॉन्ग यू आर एक्टिंग लाइक अ यू एंड ब्रो हिट फॉर मोर बैक शी नो आप हो समा आज शी ब्लो हर जगह दिखे मेरे को लो दोस्त बना दुश्मन को प्यार करा तेरी बहन को दोस्त बनाया दुश्मन को प्यार करता तेरी बहन को. यार सही है, इनका कोई हेटर्स हो ही नहीं सकता. और अगर बाय द वे हेटर्स भी है ना, तो हेटर्स करने के लिए कोई रीज़न नहीं है कि क्यों हेट करेगा इनको. हेटर्स को भी ये लोग अपना फैन बना ले, ऐसा है यार MC Stan. बहुत सही बंदा है. आप समा आज शी ब्लो हर जगह दिखे मेरे को लो दोस्त बना दुश्मन को तार कर तेरी बहन को क्या बोलता आकाश ब्रो क्या बोलता आकाश ब्रो दस लाख लो देखो बोला दस मार ब्रो शॉट बजा दस मार्च को भागने का रास्ता दो तू मेरे सबसे दिख लो इसलिए मैं देने का रो जाने का बीच में ही को जा रहा मैं वेरीज मार्क लो रुक तेरे लिए रहेगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप इसलिए टूटते क्योंकि बीच में ईगो आ जाता है. और यही चीज हुआ है MC Stan के साथ. तू मेरे सबसे दिख लो इसलिए मैं देने का रो जाने
का बीच में ही गो जा रहा मैं वेर इज माय क्लोथ रुक तेरे लिए रेंगा जो भोग मेरे लिए रेंगा रो प्लीज मेरे लिए मत रो मेरे खिलाफ गान भर दो रुक तेरे लिए रेंगा जो प्यार मेरे लिए रेंगा हो साफ करा तेरे मन को शांत रहो मेरे पंखो चाटा नहीं किसकी बना में खुद से जिंदगी जाएंगे तेरी पूरी ड्यूक पे ऑफ करेंगे चाटा नहीं किसकी बना में खुद से क्या लाइन बोलती मतलब खुद से ही किया है इन्होंने कोई नहीं था जब ना फ्रेंड्स लोगों ने साथ दिया फ्रेंड्स में भी कुछ लोग छोड़ के चले गए थे इन्होंने जिस तरीके से बताया था अपने ट्रैक्स में प्रीवियस ट्रैक्स में कि मेरे साथ बस मेरी माँ ही थी जो थी प्यार मेरे लिए रहेगा हो साफ करे तेरे मन को शांत रहो मेरे पंखो चाटा नहीं किसकी वरना मैं गुस्से जिंदगी जाएंगे तेरी पूरी ड्यूक पे ऑफ करे गेम किधर तो छुप के एक टाइम पे करी तब बजने से छूट कभी नहीं समझेंगे फैशन है लुक के थोड़े दिन रुक मेरा शूटर आ रहा छूट के रुकता मैं कभी नहीं रुका ते नुकते कपड़े नहीं खरीदा बना था कुड़ में बेचने का डो थोड़ी देर रुक आ रहे हैं मेरे शूटर्स छूट के कपड़े मैं खरीदता नहीं बनाता मैं खुद से लेवल देख रहे हो एम सी स्टैंड का किस बने रखने का हो शान माला एक जासु जो लड़के लोग बोलते रे ब्रो 10 लाख करता मैं शो 10 बातें करता ये ब्रो बसन लेकिन वो हो क्या गरीबा बड़ा था जो ब्रोक तेरे लिए रंगा जो भोग मेरे लिए रंगा रो प्लीज मेरे लिए मत रो मेरे खिलाफ गान भर दो ब्रोक तेरे लिए रंगा जो प्यार मेरे लिए रंगा हो साफ करा तेरे मन को शांत रहो मेरे पंखो बीट्स यहाँ से डोंट प्ले सो फाइनली द ट्रैक इज ओवर मज़ा आ गया मतलब जिस तरीके से इन्होंने ट्रैक को मतलब बताया मतलब सुनने वाला एक्चुअली बहुत है बट फील करने वाला इंसान बहुत कम है कि मतलब जिनको ये ट्रैक पसंद ही आया होगा रियल में क्योंकि अगर आप इस चीज़ को फील करके सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि यार बंदा टूटा है किस हद से टूटा है बस फील करो आप इस ट्रैक को और जिस तरीके से बोले कि 10 लाख लोग हैं मेरे साथ तो रुक मेरे शूटर्स आ रहे हैं और मैं मेरे कपड़े खुद बनाता हूँ करके मैं खरीदता नहीं हूँ और मज़ा आ गया ट्रैक रियली बहुत अच्छा ट्रैक था और उन्होंने जिस तरीके से एक लाइन बोली हग से मैं हग देता असली को और जिस तरीके से अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रख रहे हैं और बोल रहे कि हग से मैं हग देता असली को और कुछ कुछ जो इनके जो एक बीच के जो स्टैंजर्स आ रहे थे ना गज़ब थे बहुत ज़्यादा गज़ब वाले हुक्स थे और बात की जाए लुक्स की तो भाई कातिल लग रहा है अब इसमें लग रहा है कि यार ये बंदा और एक लाइन और थी इसमें कि ये लोग क्या समझेंगे फैशन को तो आई थिंक वो चीज़ भी इन्होंने इसमें कही है जब वो ब्रेड रखते थे उनका जो लुक था टैटूज एंड ऑल और वो बोलते कि ये लोग ये चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं चलती उन्होंने कही थी एम सी स्टैंडिंग के इसमें एक ट्रैक में तो और अब का लुक देख लो मतलब बंदा कोई सा भी लुक रखे अच्छा लगता है बट मेरे को ये वाला लुक पसंद आया इनका भयंकर लग रहा है कातिल लग रहा है ये इंसान मतलब मज़ा आ गया एमसी स्टैंड वाला ट्रैक यहाँ पे लेवल अप हुआ है और इन्होंने जिस तरीके से बोला था कि ये लोग क्या समझेंगे रैपर्स को कोई इज्जत नहीं है इंडिया में तो नहीं है वो बंदा अलग ही नेक्स्ट लेवल का अपना लेवल क्रिएट कर रहा है खुद का एक स्टैंड खुद का एक अपना स्टेज बना रहा है कि वहाँ पे वो जाके एक स्टैंड ले सके तो बहुत बड़ी चीज़ है ये चीज़ कर रहा है एमसी स्टैंड और बाकी आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ एमसी स्टैंड की पब्लिक लाइक कर दो शेयर कर दो और फैला दो दैट्स इट और अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर देखना पसंद करते हैं वो भी मुझे बताइएगा और एमसी स्टैंड के बारे में मुझे जैसे कि धीरे धीरे पता चल रहा है वैसे आप लोग मुझे और बताते ही रहते हैं कमेंट्स करके इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप लोग मुझे बताइए इनके बारे में और
आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन पे है, ऑन स्क्रीन पे वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्यों नहीं किया, करो यार, कर लो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आप लोग मुझे बोलते कि ये करो बोलो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे कि, और लाइक करना प्लीज मत बोले, क्योंकि जितने व्यूज आते हैं उतने लाइक्स नहीं आते, और वैसे भी गिनने चुने ही तो आते हैं, प्लीज़ उसको भी अप करो, उसको भी थोड़ा ज़्यादा करो, और बस तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे साथ बने रहो, पीटी देने में, तब तक के लिए बाय बाय।